मका सूरज सिर पे चढ़ाया, अब तो उठ जाओ, उठ जाओ। अपनी कह के बंद मत कर लिए, सो मत जानती एक आध घड़ी। घड़ी में टाइम तो देख लो, 9 बज लिए। सामान लेने जाना था, फिर के दोपहर में जाओगे? पहले तेरा सामान ही ला दूं। टैटे कर रही है, रोज का काम है यू तेरा। मैं टैटे ना कर रही, मैं तो यूं कह रही सामान ला दो तो मैं बर्तन बना दूं, छाछा में ले आओगे तो ठीक है, और दोपहर बाद अपना काम कर लियो। तेरी टैटे बंद ना होने की है, मेरा सोना आराम कर रखा। ला दे पैसे, क्या सामान लेकर आना वो भी बता। हाँ, मैंने लिस्ट बना रखी है, अभी लाती हूँ। लिस्ट बना रखी है तेने? ये लिस्ट है, पैसे और ये थैला। पापा पापा मैं भी चलूंगी। बेटा मैं अभी बाजार जा रहा हूँ, जब दुकान चलूंगा जब चलिए मेरे साथ। पापा मैं भी चलूंगी। अरे थाम ना इसे। अरे इसे भी ले जा लेते, मैं बड़े मेले में जा रहा हूँ, इसे भी ले जा लेते। बेटा पापा ना अभी बाजार जा रहे हैं, जब दुकान जाएंगे तुम तब जाना, ठीक है? अभी तुम खेलो जाओ। भाई अब कह तो कोरोना ने काम की मट्टी पीट दी। सही बात है यार, जिस काम में हाथ डालो नुकसान, जिस काम में हाथ डालो उसी में नुकसान। कैसे चलेगी गाड़ी पता नहीं। सही बात है भाई। अरे भाई नीरज कहाँ जा रहा? फिर टोक दिया, मैंने कितनी बार कह ली तेरे से, तू मेरे सामने मत आया कर। भाई मैं तो नहीं पूछ रहा था कहाँ जा रहा। जब तक कहाँ, बाजार जा रहा हूँ, तू बता क्या काम है। अरे मैं बताता तुझे अभी, जब तू ढंग से बात तो करता नहीं, जो तू ढंग से बात करता तो मैं बात भी करता, कुछ मंगाता भी। ओ भैया तेरे जोड़ू दो हाथ, तू मेरे दिमाग खराब मत कर, मेरे मुंह मत लग, चल हट। हट गया, चला जा। क्या आदमी है ये भाई रमेश, रोज का ये ड्रामा देख रहा हूँ थारा। जब वो थारे को मुंह नहीं लगाता तो क्यों उसके आगे रोज आते हो? भाई महिपाल तेरी समझ में नहीं आने की बात है। ऐसी कौन सी बात हो गई जो हमारी समझ में नहीं आने की, आज बताई दे भाई बात। भाई यू है मेरा बचपन का दोस्त, ठीक, और यू यारी भूल बैठा, पर मैं अभी तक नहीं भूला। वो तो ठीक है भाई, पर इसीलिए ही तो मुझे प्यारा लगे आयु, क्योंकि जब इसका कोई नुकसान हो जाए ना मुझे बिल्कुल सहन नहीं होता। वो तो ठीक है भाई, पर तुझे कुछ वो मानता भी तो नहीं। मत मानो, मैं तो मानू, उसका कोई भी नुकसान मेरे पे सहन नहीं होता, भले ही मेरा नुकसान हो जाओ। भाई तेरी माया, तू ही जाने, चल मैं तो चलू। ठीक है भाई। वो भाभी दुकान की चाबी देना। हाँ ला रही हूँ। ठीक है। और गौरी कैसी है? मैं ठीक हूँ। ये लो भैया। वो नीरज नहीं दिखाई दे रहा भाभी? वो तो भैया बाजार गए, उन्हें आने में देर हो जाएगी। ठीक है जी। अरे यार वो शीशपाल कैसे गई, वो भी ना आया। धोखेबाज आदमी है वो। अरे यू तो नीरज आ रहा, यू कहाँ जा रहा? बाजार जा रहा दिखे। अरे हमारा तो काम बन गया, हमें भी तो जाना बाजार माल लेने। अरे हाँ, भगवान ने अच्छी कृपा कर दी हम पे। आन दे। अरे नीरज क्या हाल है भाई? अरे बढ़िया। अरे और ठीक है तू? हाँ मैं तो ठीक हूँ, तू बता। भाई नीरज शहर जा रहा है क्या? हाँ शहर जा रहा हूँ, तुम्हें चलना क्या? हाँ चलना, बोलते बतलाते चल देंगे। कुछ काम है क्या तुम्हें? हाँ बहुत जरूरी काम है, छोटे मोटे काम में तो हम शहर जाते ही ना, तो जल्दी जल्दी कदम चलो आगे चलो। अरे अकेले चले जाता, इन्हें रहने देता। इन्हें ले जाकर क्या नाश करावेगा? क्यों, इनके साथ क्या है? ये तो गांव के बेकारे हैं। अरे क्यों बकवाद कर रहा है, काम हमारे से चिड़े है, हमारे तो दूर दूर तक चर्चे है अच्छाई में। चल। बड़ा अजीब आदमी है भाई। कल का प्रोग्राम कैसा रहा? अरे कल का प्रोग्राम तो बढ़िया रहा। अरे और रमते? हाँ भाई समते। अरे इस नीरज को तो देख, यू साइकिल लिए कहाँ जा रहा? हाँ भाई वो तो अपनी मस्ती में साइकिल लिए आ रहा। अरे इन दोनों को भी देख जो इसकी गैल लग रहे हैं। ये कहाँ जा? अरे जाते कहाँ जा रहे होंगे, कहीं माल लेन चले के? जेब में चवन्नी नहीं, लाएंगे कहाँ से? अरे लाते कहाँ से, इनकी गैल हम भी चल देंगे, जब ये पियेंगे जब हम भी एक एक पैक मार लेंगे, आज का प्रोग्राम सेट। चल तो फिर। अरे रुको अरे रुको, रुको कहाँ जा रहे हो? अरे मरोगे के? अरे मरना नहीं है, हम भी तेरी गैल चलेंगे, कहाँ जा रहा तू? जानू में जा रहा हूँ,
वहाँ दो लोगों की जगह खाली है, चलना तो चलो। अरे भाई नाराज मत दो, मैं तो ये कह रहा था शहर जा रहा हो तो हम भी चल देते, थोड़ा काम सा था। अरे कलंको तुम कहाँ जाओगे, हमारे साथ यहीं पड़े रहो। 24 घंटे फ्री की चाह, चल दिए गैल। अरे वहाँ हम जानवर आत्मा ले जा रहे। ओ नीरज भाई, हम जिस काम के जा रहे हैं उसको नाश कर देंगे ये। तू धक्का मार एक और को गेर और चल। फ्री की रोज चाहिए, पड़े रहे मैं नुई। फ्री की कहाँ से ला मैं क्या? अबे यार इस राजवीर ने आग के मुंह में पेट्रोल घेल लिया। अरे हम भी कसम खावे, अकेले इन्हें भी ना पीन दे, हमें कुछ करना पड़ जा। आ अरे यार यू शहर भी कितनी दूर बनाया है, थोड़ा धोरे बना देता तो ठीक रहते। अरे भाई अब तो बता दो कहाँ जा रहे हो। अरे यार तेरे से क्या छुपाना, माल लेने जा रहे हैं। अरे मैं माल का सामान लेने जा रहा हूँ। अच्छा तू भी बना वे माल? हाँ मैं भी बना लूँ, मेरी घरवाली भी बना ले वे, वो बना दे वे मैं बेच दूँ। अरे यार या तो वही बात होगी, दिया तले अंधेरा। अरे भाई हम शहर के बगरे, हम तो इससे ले लेते माल। तो ले लियो, मैं कम मना कर रहा हूँ। अरे वो तो ठीक है, पर लगाएगा कितने की? खुला रेट है, घड़ा 50 का, गुल्लक 20 की है। अरे भाई के बेचा है तू? अरे मैं कुम्हार हूँ, घड़े और गुल्लक का तो मेरा काम ही है। अरे यार हम तो दारू की बात कर रहे हैं। ना भाई ना, मैं दारू से तो बहुत दूर हूँ। दारू में क्या खराबी है भाई? इसमें खराबी है, दारू पी का आदमी गाली देने लगे, औरत को औरत नहीं समझता, उसे पिटन लगे, बहुत खराब चीज है ये तो। अरे यार किसी ने तू भका रखा, इससे अच्छी चीज इस दुनिया में ना बनी अभी तक। क्या गुण है भाई इस चीज में ऐसे? अरे यार इसे पीने से आदमी की पथरी ठीक हो जा, दिमाग तेज हो जा, शुगर ठीक हो जा, यू तो सोमरस है सोमरस। अरे हमने तो नू सुना इसे पी के आदमी राक्षस बन जा। अरे यार यू बकवास है, यू फलों से बने। अरे इसे तो बड़े बड़े लोग सोकन में पी में। भाई तुझे गलत बहका रखा लोगों ने। अरे भाई मैंने तो नू सुनी, इससे किडनी गुर्दे फेफड़े सब कुछ खराब हो जावे। अरे भाई तू सारी बात छोड़, तू इन्हू बता, तू आज तक पी भी है ना? ना भाई मैं ना आज तक ना पी। तो आज पी के देख, देख क्या अमृत है यू, फिर बताइए तू। ना भाई ना, मैं ना पीऊ इसे, इसे पी के तो मेरे घर में राड हो जाएगी। अरे यार उस राड को भी मैं देखूंगा, पी के तो देख कितना मजा आवे। भाई अगर तुझे मजा ना आवे ना तो 1000 रुपए हार जाऊं मैं। और 1000 मैं हार जाऊं? तो ऐसी बात है, आज पी के देखते हैं। तो फिर तो निकाल पैसे। अरे यार भाई धोरक क्या कमी है पैसों की, इतने माट इतने चुगे इतने बेक है, बहुत बड़ा कुम्हार है हमारा भाई। ऐसा कर तू तो लिया माल, अब शहर क्यों जा मैं, हम अड्डे पे बैठे हैं, जल्दी लाइए माल। चल भाई ठीक है। अरे आया ना तेरे यार, इतना टाइम लगा दिया। अरे यार ठेके पे बहुत भीड़ रहे, लाइन में लगा हुआ होगा, आने ही वाला होगा यार। अरे यू आ गया ले, आजा भाई। अरे भाई के ले आया? भाई चिंता ना मनो, सारी चीज ले आया मैं। अरे बैठ ले, तेने तो बहुत लेट कर दिए, आज दावत में कोई कसर नहीं होगी। चल ठीक है घाल, तू घाल, नीरज को भी दे। अच्छा जी भाई, यू कौन सा ब्रांड है? अरे बहुत तगड़ा ब्रांड है, बहुत बढ़िया। अरे के कर रहे हो? अरे यार जहाँ बैठे ना तुम वहीं चले आओ। अरे तू अपना काम कर ले, थोड़ी है दारू। अरे भाई हम भी तुम्हारे भाई हैं, निकल ले। अरे नीरज भाई ले, तू ले दारू। अरे आ जान दो इन्हें भी, ये क्या बिगाड़ लेंगे। अरे नीरज भाई तू तो हमारे बचपन का यार है, बचपन में झोड़ मनाया करते थे, याद है? भूल गा? हाँ हाँ सब याद है, आ जाओ। मैं भी तो साथ में रह कर रहा था। अरे ठीक है बना भी बना, इनका भी बना एक एक गिलास। अरे नीरज भाई तुझे याद है बचपन में एक गन्ना लाया था जिसमें से आधा तुझे भी दिया था? हाँ हाँ कह तो दी, अब का जान लेकर रहेगा। एक एक पैक इन्हें भी दो। अरे इन्हें भी दे दे एक एक पैक। अरे भाई पहले तू ले। अरे आज का जशन नीरज के नाम। थोड़ी सी लगे रही है या दवाई ऐसी हो कर है? अरे राजवीर भाई कड़वी लग रही है। अरे यू ले लेना, ले ले रखा ले। बना भी और लो। अरे नीरज भाई पहला पैक कड़वाई लगे करे, अब देख कितना मीठा लगेगा। अरे थोड़ी सी और पी, अब मजा आ जाएगा तुझे। हाँ
अब देखिए तू, तेरे में कितनी जान आ जाएगी भाई। घूमेगी यार, यू ही तो मजा है, पृथ्वी घूमेगी अब तो। टेंशन फ्रीज ही हो रहा है, यू ही तो जीवन का आनंद है, इसीलिए तो इसे सोमरस कहे, सोमरस। अच्छा नीरज, मजा आ गया मेरे भाई। भाई हम तो चले, हम तो हो गए ओवरलोड। हाँ भाई चल, तू जा रहा फिर? ओके भाई, चल भाई मैं चल रहा हूँ। अरे मेरी साइकिल थी, हाँ कहाँ गई? रह होगी यहीं कहीं। अरे वो बिचारी थक गई होएगी, चली गई होएगी अपने घर। वो बात तो तेरी ठीक है, पर मेरी साइकिल मेरे से पूछ को जाती, ऐसी चली जाएगी। घर जाके पूछ लिए। सही बात है, घर जाके पूछ लूंगा। चल भैया, हम छोड़ के आएंगे तुझे। अरे भाई मैं जाऊंगा, अरे तू मुझे, अरे मैं इतना नशे थोड़ी ना। रुक जा। मेरे यार तुम, अरे आराम से मेरे भाई। यार यू गली तो ना लग रही दिखे। अरे गली तो वही है। अबे आज इसे भी प्यारी दिखे, अब ये करेंगे नाश। और हमते समते क्यों तुम नाश पे लग रहे हो? कौन है बे? अबे कौन ना बे, मैं हूँ रमेश। रमेश, राम राम भाई। थारी राम राम लेने में घाटा। अरे क्यों पियाई तुमने नीरज को दारू आज? ओए इन्हें ना पियाई, मैंने खुद पी। नीरज खुद की मर्जी का मालिक है। हाँ मालिक तो तुम्हारा भी है। अरे पर नया सांग क्यों ठहरा रहा तू? यू रास्ता तो बर्बादी और जा है। बर्बादी होगी तो मेरी, तुझे क्या दिक्कत है? तू अपना काम कर। क्या हो रहा है ये सब? कुछ ना हो रहा, तू अपना काम कर, तू भीतर जा। ये मर रहे दोनों, इन्होंने बोया नाश का बीज। भाई तू हमें क्यों कह रहा? तब मैं क्यों ना कहूँ, तुमने अपना नाश तो कर ही लिया, अब इसके भी नाश के पीछे पड़ गए। अरे तुम अपने घर को जाओ, तेरे ससुरे। अरे हम तो इसे ही छोड़ने आए थे, हम तो चल रहे, चल भाई रमते। अरे तो निकलो ससुरे। सामान लेने गए थे ना, सामान कहाँ है? सामान वामान मुझे ना पता कौन सा सामान। साइकिल कहाँ है? साइकिल वाइकल सब अपने ठिकाने पे। और तू मेरी मास्टर नहीं लग रही है जो मैं तुझे बताऊं? चल भीतर, पागल सोच रही है मुझे, नीरज को पागल सोच रही है। मीरा घर की बर्बादी शुरू हो गई है, इसे थाम किसी डाल। भैया मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखियो अभी तो नहीं सुनेगा, इससे सुबह बात करिए। तू घर को चल, उसे बच्चों को संभाल और उसे संभाल। ठीक है चल। खुल गई आँख या अब भी बंदी है? सुबह सुबह रे मेरा दिमाग खराब मत करे। मैं दिमाग खराब कर रही? दारू किसने पिलाई? याद तक कौन, मैंने खुद पी। और सामान कहाँ है? कौन सा सामान? जो लेने गए थे। सामान वामान ना आया। क्यों? बताऊं क्यों? और साइकिल कहाँ है? साइकिल, साइकिल का भी ना पता। क्यों ना पता? तेरी साली क्यों क्यों, तेरी क्यों का जवाब दे रहे नीरज। मैं इस घर का मर्द हूँ, जो चीज चाहे वो कर सकता हूँ और जो करता हूँ वही सही है। तू इस घर की औरत है, तेरा काम है मेरी सेवा करना और मेरे बालक पालना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ज्यादा फालतू बात करी ना, तुझे फोड़ दूंगा, समझ गई तू? भाई गांव में हद हो रही है, नशेड़ियों ने कमाल कर दिया, दारू इतनी पीने लगे लोग। अरे छोटे छोटे बालक भी दारू पीने लगे। ये जो बड़े शराबी है ना, इन्होंने ही लगाया इन छोटे छोटे बच्चों को। अरे नीरज, अरे कुआ क्या बात है? अरे आप बैठ तो सही। हाँ बता भाई। नीरज वैसे तो तू बतेरा समझदार है, पर ऐसा है जो तने रात को कराया ना, वो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रात ऐसा क्या कर दिया मैंने? भाई रमेश ठीक कह रहा, बात को समझ। ऐसी बात ना नीरज, तुम्हारे तो बैठ या ना बैठ, तुम्हारी बात मान या ना मान, पर घर को संभाल।
जो रात कराना तन्ने वो नाश का बीज है। मतलब मेरे एक पैक पीने से नाश हो जाएगा? अरे सारा गांव पीने लग रहा। भाई जो पीने लग रहा है ना उसका नाश ही हो रहा, नाश नहीं सत्यानाश हो रहा। यार नीरज समझ बात को, है तेरा छोटा सा बालक है, तेरी घरवाली है, उन्हें देख कि दारू वारू के चक्कर में ना पड़े या काम नहीं आनी और तेरा सत्यानाश हो जाएगा। भाई अगर तुम कह रहे हो तो मैं ना पीने का। हाँ ठीक है फिर। अरे तेरे तो दुकान मैंने खोली दिखे। अरे दुकान पे वो राजू है ना, मैं तो अब जाल लग रहा था। ले भाई दुकान निंगे कही आई हमें बेवकूफ मान रहा। अरे मैं तो नु सोच रहा इस गांव का नहीं इस गुहांड का इस जिले का क्या हुआ, इतनी दारू नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से भाई। अरे और तो और कच्ची कैड के पिए, यहाँ बड़ी समस्या है। तुझे एक और बात बताऊं, यो पीवेगा मानने नहीं। यू मानेगा, जरूर मानेगा, पर यू नाश करके मानेगा। इस बात को ध्यान रखियो, ऐसा गांव में कोई घर नहीं बच रहा जो दारू ना पी रहा हो। अब तो भगवान ही जाने क्या होकर रहेगा। हाँ सही कह रहा तू, ऐसा तो कोई बच नहीं रहा, सब पी रहे। ये भी नकली आ रही है आजकल। अरे यू आ लिया हमारा शेर। शेर नहीं बब्बर शेर। अरे हमने तो रात की बात पता चली है, तेने सब चमका दिए कहीं है। और खास करके वो रमेश खाम खा लेक्चर दिए जावे, दुनियादारी का कुछ पता नहीं और खान पीन का पता नहीं और बात ऐसी बनावे दुनिया का सारा ज्ञान यही जानते हो। अरे हमारे भाई से बढ़ के है कोई? राजवीर भाई गांव में कुछ भी बात हो लेकिन हम नीरज भाई के साथ रहेंगे। अरे अपने भाई के लिए तो जान पे खेल जाएंगे, इस पे कोई आंच ना आने देंगे। अरे मेरे पे कोई आंच ना आ रही, सब ठीक है। रही रमेश की बात, वो तो आधा पागल है, मेरे पीछे ऐसे पड़ रहा है जैसे मेरे बाप हो। मैं उसकी बात तो मार रहा हूँ क्या, मैं अपनी मर्जी का मालिक खुद हूँ। बिल्कुल सही बात है। पर रात तो मजा आ गया। अरे अब रोज ही मजा आएगा, बहुत दिन जी लिए इस गरीबी सी में, अब तो हमारा भाई हमारे साथ है। नीरज भाई जिंदाबाद, नीरज भाई जिंदाबाद। पर नीरज भाई आज का क्या प्रोग्राम है? अरे प्रोग्राम तो जैसे चाहो वैसे कर लो, पर आज मेरे पे पैसे नहीं है। अरे पैसे की कोई बात ना, मेरे पहेंगे। चलो तो कोई बात नहीं, तुम प्रोग्राम जोड़ो, मैं दुकान तो खोलवा रहा हूँ। हम माल ला कर तुझे दुकान पे सब आज मार लेंगे। ठीक है भाई, ठीक है भाई। अरे मूर्ख कहीं का, इसे तो मटके बेचने की अकल है बस, इसे तो नूना पता कि ये पैसे आए कहाँ से हैं। इसकी साइकिल के पैसों के पियेंगे और इसे भी पियावेंगे और इस पे एहसान चढ़ाएंगे और ये आगे भी देगा दावत के। ले तू इंतजाम कर भाई। 200 रुपए की? भैया 200 रुपए से 1 रुपए कम की नहीं है, लाओ। भैया कभी टाइम से भी आ जाकर, मैं यहाँ परेशान होने लग रहा। टाइम से ही आया हूँ, तू मेरा दिमाग खराब मत करे। एक वही महाराणा ने सुबह सुबह दिमाग खराब कर दे, उसका गुस्सा तेरे पे होता जाएगा किस दिन। और फिर क्या होगा यार, तू बकवास मत करे, तू काम कर ले। यू कितने का दिया? यू 20 रुपए का दिया। यार बहुत महंगा दे रहे हो तुम। महंगा ना यार, 20 रुपए का ही है, अपने को अपने पास ही रख ले। सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। गौरी बेटे वहां रख दो। मम्मी पापा आ गए। कोई बात नहीं बेटा, आ जाने दो। ओ कुलच्छनी, तेरा मर्द आया है, तेरा मालिक, चल पानी ला। लो पानी। अरे उठा तो सही मुझे। हाथों में जान नहीं है क्या तेरे? सारा पानी गिरा दिया। पानी आपने ही तो गिराया है। जुबान लड़ाती है, जा खाना ला के दे मुझे। लो खाना खा लो।
खाना अरे उठा दो सही मुझे। छोड़ मेरा हाथ। चटनी सब्जी कहाँ है? सब्जी क्या तेरी माँ बनाएगी? सब्जी कोई थी नहीं घर पे। सब्जी क्या मैं ला के दूंगा तुझे? लाए क्यों नहीं? हराम का बच रहा है। जब सब्जी लाने के लिए पैसे नहीं थे तो कैसे लाती मैं सब्जी? या मुझे नहीं खाना खाना, बहाने बनाती है। तेरी अकल ठीक नहीं है। रुक अभी बताता हूँ तुझे। भाभी वो दुकान की चाबी दे दियो। हाँ ला रही हूँ। चल भाई नीरज। अरे चल तो सही, दुकान तो खोल, मैं आल लग रहा हूँ। देर से होगा क्या? पर आई जाइए, फिर तेरा पता न चलता पूरे दिन तू कहाँ रहे। और तू कल भी ऐसी बीच में से छोड़ कर भाग गया था। अरे यार मैं आ रहा हूँ, तेरे लिए पंखा लेके आ रहा हूँ, तुझे गर्मी बहुत लगे है ना। चल ठीक है। तुम दूसरे के भरोसे दुकान छोड़ देते हो, खुद क्यों ना जाते तुम दुकान पे? चुप, भूल की दिखे तू, फिर जाना है मुझे। अब कहाँ चल दी? कहीं भी जाऊं तुझे बता के जाऊंगा कहाँ चल दी है। अरे भाई नीरज दुकान पे जा रहा के? हाँ दुकान पे जा रहा हूँ। चल तो चल फिर, हम भी चल रहे। तुम क्या करोगे? मैं अपना काम करूंगा। हम भी तेरी मदद कर देंगे, तू भाई है अपना। अरे भाई नीरज तू हमें राजवीर और दरिया की तरह मत समझे, जिससे हमारा दिल मिल जा उसके लिए हम जान भी दे सके। वो दोनों मतलब ही है, एक दिन तुझे धोखा देंगे फिर हमें ही संभालना पड़ेगा। अरे भाई नीरज अभी तेरे उन्हीं की गैल पी है, वे तुझे पिया हुए घटिया माल। हमने भी तो पी थी उस दिन, हम बताएंगे तुझे सस्ता और बढ़िया माल कहाँ मिलता है। स्वाद ऐसा कि मांगता रह जाए, मन करेगा पीता ही रहे पीता ही रहे। अरे वे तो बढ़िया खाना पिया जानते ही नहीं, हम बताएंगे तुझे बढ़िया माल कहाँ मिले। यार वो तो बात ठीक है, पर मेरे पास तो पैसे ही ना है। पैसे तो महर पे भी ना, यूं ही तो रोना है। पर भाई हमारे धोरे एक चीज है के? यू पंखा, इसे तो मैं दुकान पे ले जा रहा था, वो राजू है ना उसे घनी गर्मी लगे। अरे भाई राजू हमारी यारी से भी बढ़िया होगा के, जो सुसरा पंखे में बैठेगा। अरे यार लो आज तुम्हारी बड़ी हवाली देखूंगा, चलो ले आओ तो। चलो धर्मपाल के चलो तो, चलो तो चलो चलो। भाई आज खूब ताल बैठ गई। अरे मजा ही आ गया, इंग्लिश दारू चकने के साथ। भगवान नीरज जैसा पागल और पैदा करे। अरे वो देख, अरे ये नासकेत कहाँ से आ गए? अरे अपना रास्ता बदल ले, नहीं ये लोग पीछे लग लेंगे। ठीक कह रहा भाई तू। ओए कहाँ जा रहे हो बच के, इधर सुनो। अरे इसमें क्या दवाई ले जा रहे तू? अरे कुछ ना भैया तू अपना काम देख। अरे भाई यू ही तो हमारा काम है, अपना काम ही तो देखते फिर रहे हैं। अरे अब दिखा भी थे क्या छुपा रखा है? माल है इंग्लिश दारू और मुर्गा। ओहो इंग्लिश भी ले रहा, चकना भी ले रहा, मुर्गा भी ले रहा। अरे कहाँ से कौन फंसा लिया? कहीं से ही फंसाया हो तुम्हारे मतलब कना, तुम अपना राह देखो। भाई इतने जुल्मी मत बनो, हमने कई बार पियाई है तुम्हें। हमें पता कितनी पियाई है, बहुत जलील करके एक दो पैक दे दिए। बहुत बड़े सेंसा हो जाओ जब तुम्हारे पे माल होता। अरे यार पुरानी बात छोड़ो, अब आगे की सोचो। ऐसा करो अब एक नियम बना लो, साथ में रह के साथ पिया करेंगे। देख लो आज माल हमारे धो रहे तो ऐसी बात कर रहे हो, जब कल माल थारे धो रहे होगा तो बदल मत जियो। अरे यार ऐसा कभी भी ना होगा, कभी भी अजमा के देख लियो। चलो तो फिर अड्डे पे। चलो तो फिर। कहां मर गए ऐसे, कितनी दूर बाजार है,
कहीं बैठ के पीन तो ना लगे। अरे यार यू इन दोनों को और गेर में ले आया, अब तीन की जगह पांच और हो गए, मजा आधा रहेगा। अरे नीरज क्या हाल है भाई? बस ठीक है, तू बता। अरे यहीं बैठ लो। अरे बैठ गए लिया मामले को। अरे बहुत देर लगा दी यार, कहाँ रह गए है? अरे इन दोनों की वजह से देर लग गई। अरे देर होगी होगी, काढ़ो माल को यार, वैसे ही लेट हो गए। अरे मुझे तो पियाओ यार। अरे रुक जा, घालन दे, पटियाला पैक लगा दू। अच्छा चार लाया, चल कोई बात ना, मुझे तो गिलास की जरूरत भी ना है, तुम मान्या दे। अरे नुई पी जाओ बिना पानी के, आस्वाद कुछ अलग मिलेगा। हेलो, मेरे थोड़ा ज्यादा कर दी, ज्यादा मेरे थोड़ा। अरे ले ले बस बस, बाकी इसमें गेट दे। अरे तू ही ले ले सारी, मैं दूसरा खोलूंगा। खोल लो यार, दूसरा दे मुझे। अरे दूसरा दूं, दूसरा रहन दे तू, कड़वी लग रही है यू। अरे लाया हूं माल। अरे ले, तू ना ले रिया, बिगर पानी के जहर लग रही है आज यू। कोई बात ना, पी जा। मजा आ रहा है। अरे सहज सहज पी ले, मुझे भी तो पीने दे कुछ। ला नमकीन दे। अरे मुझे तो नू लगा है 6 दिन से ना पीते ने, तू ना पींदे रे घूट भी। नीरज कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तेरे पे किसी का रुपया चाहिए तो मैं दूंगा। इस जेब में एक लाख और पैसे पैदा कर दूंगा, पर तुझे पैसे लाके दूंगा। अरे तेरे होते हो टेंशन ही ना मुझे। भाई किसी से डरने की जरूरत नहीं है, तू अकेला नहीं है, हम पांच है पांच, तेरे लिए हम किसी से भी राड मोल ले सके। किसी की के मजाल जो हमारे भाई के साथ राड कर दे। राड राड तो तुम लोगों ने हमारे घर पे कर रखी है, तुम इनको रोज दारू पिला देते हो, वहाँ दुकान पे हमारी सवारी खड़ी है, उसको देने के लिए चारा तक नहीं है। मैं रोज बाट देखूं, अब चारा आवे पर चारा कभी ना आता, क्योंकि ये तो यहाँ चौकड़ी जमाओ बैठे हैं, घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है, सब्जी तक नहीं है, और इनको रोज दारू चाहिए। भाई यू मेरा कुछ ज्यादा ना बोल रही है। अरे तुम चारों क्यों हमारे घर के नाश पे तुले हुए हो, तुमने हमारी साइकिल बिकवा दी, तुम अपने घर का सामान क्यों ना बेचते। तू पूछेगी बेचना ना बेचना तो और कौन पूछेगा। तुम पंखा लेके गए थे ना, कहाँ है पंखा, वो भी बेच दिया। हाँ मेरा माल था, तेरे बाप ने दिया ना पंखा, मैं बेचू या छोड़ू तुझे क्या मतलब है। तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें काम क्यों ना करते, तुम हमें भी बेच दो, फिर जो पैसे आए ना उससे खूब दारू पी लेना। और तुम चारो, तुम्हारा क्या बिगाड़ा है हमने जो तुम हमारे पीछे पड़ गए, हमें जीने ना देते। अगर मैंने तुम चारों को इनके साथ देख लिया ना, फिर देखना तुम लोग। नीरज ऐसी मेरी लुगाई होती ना, उसकी जुबान खींच लेता। वे गुलच्चनी क्या बोली तू, मेरे यार दोस्त के सामने मेरी बेइज्जती करती है, शर्म लिहाज बिल्कुल न रही। तुम शर्म लिहाज की बात कर रहे हो, तुम्हें अपना घर नहीं दिख रहा, सिर्फ दारू दिख रही है। मैं तुमसे अब भी कह रही हूँ, इन चारों का साथ छोड़ दो, दारू पीना छोड़ दो, और तुम चारों तुम्हारे जोड़ू में हाथ, हमें बख्श दो, जी लेने दो, इनको अपने साथ मत बैठाओ, मत दारू पिलाओ, हमें जी लेने दो। तुम फालतू बकवास मत करे, तू मेरे यार दोस्त के सामने मेरी बेइज्जती कर रही है, तेरी इतनी हिम्मत, तू रुक अभी। भाई नीरज तू मर्द का बच्चा है, इस जाहिल औरत पर हाथ उठता हुआ छन लगने का। इसने सारा प्रोग्राम फेल कर दिया ना, तो मजा आ जाता। चलो भाई आज का प्रोग्राम खत्म। अरे प्रोग्राम कैसे खत्म हो जाएगा, इस औरत की वजह से प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, प्रोग्राम चालू रहेगा। चल रही चल, तू ले जा चल, तू प्रोग्राम खराब करवाएगी, चल यहाँ से, चल चल। यू लोग आई देखी, बड़ी सुंदर है यार, मैंने तो आज ही देखी है। रे भाई बिजली है बिजली, ऐसी बिजली पेड़ पे गिर जा। भाई मुझे तो नीरज भाई की लुगाई अच्छी लगी। अरे कौन सा भाई, यू मूर्ख। अरे यू मूर्ख आ रहा, साला सारा प्रोग्राम फेल करवा रही थी, मैंने उसका प्रोग्राम फेल कर दिया। भाई प्रोग्राम चलेगा, तू और कुछ जुगाड़ कर ले अब।
तेरी लुगाई जब जब बोल रही, जब जब बोल रही। अरे तुम पहचान की तो चिंता ही मत करे, साले सारे जमीन जायदाद बेच दूंगा मैं और प्रोग्राम रोज रहेगा। अरे भाई अरे नीरज ना आज यहाँ, नीरज तो दारू पी के पड़ा है, तू चल आज तेरा मालिक दारू पी के पड़ा, चल। के बात है मीरा, आया ना नीरज अभी? ना भैया अभी तो ना आए। पता है कहाँ है? हाँ उन चारों की गैल है, दारू चल रही है, मैं गई थी बुलाने के लिए पर मुझे पीट के भगा दिया। भाई वो भी बिल्कुल नाश पे उतर लिया, पर तू चिंता मत कर सब कुछ ठीक हो जाएगा। भैया के ठीक होगा, अब तो घर का टेबल पंखा तक बेच दिया। अरे वो तो फिर आ जाएगा, पर तू एक काम कर ले, किसी ढाल इसे इन चारों राक्षसों से बचा ले तू बस। भैया कैसे बचाऊं, वो तो घर ही ना आते, घर आए तो मैं बात भी करूं। एक काम कर तू भीतर जा आराम कर, वो थोड़ी बहुत देर में अपने आप आ लेगा। जा भी केस सोच रही है बालों को लेकर, भीतर जा आराम कर, चल आ जाएगा। ठीक है गौरी अंदर चलो। भाभी जी। हाँ भैया। यो पकड़ो थारी दुकान की चाबी, मेरे बस की तो थारी नौकरी करनी है ना, पूरे दिन मेरी दुर्गति होती रहे और पूरे दिन दुकान पे आके झांकता भी ना है। भैया मैं आपको कुछ ना कह रहा, पर ऐसी नौकरी मेरे पे ना होने की, सालों से लड़ाई भी होगी, मेरे तो पैसे भी छीन लिए। उससे कह दियो कि साथ बराबर खड़ा होकर काम करेगा तो करूँगा, नहीं तो थारी मारी राम राम। भैया हमारा हाल भी तो देख लो। आपका यो हाल देख के, आपकी बच्चे की हालत देख के, इसीलिए तो काम छोड़ने को मन ना करता, नहीं तो कभी का काम छोड़ देता मैं। मम्मी भूख लगी है, दूध दे दो। बेटा आज दूध नहीं है। पर मम्मी आज मुझे दूध पीने का बहुत मन कर रहा है। बेटा आज ऐसे ही सो जाओ, मैं दूध कल दे दूंगी। चलो तुम सो जाओ, हाँ आ जाओ लेट जाओ। आ गए, कहाँ थे पूरी रात? तुझे हजार बार कह लिए, औरत है औरत बनकर रहे, जज बनने की कोशिश मत कर। तुम पूरी रात घर नहीं आते, मेरी आंखें थक जाती है तुम्हारा रास्ता देखते देखते, तुम्हें घर का काम नहीं दिखता, मेरी बच्ची बिना दूध के सो गई, उसे पिलाने के लिए दूध तक नहीं है घर में, और तुम्हें रोज दारू चाहिए, रोज मुर्गा चाहिए। उन चारों ने अपने घर का नाश तो कर ही लिया, अब हमारे घर की नाश में तुले और तुम कराओगे ये नाश। ज्यादा बड़ी जज बन रही है, जिंदगी हराम कर रखी है मेरी, न जीने देती है न मरने देती है, चल जाए बना
चाय कहाँ से बना दूँ? दूध रख के गए थे क्या घर पे? पैसे तक तो तुम देते नहीं हो। कल राजू पैसे पूरे दिन की कमाई न जाने कौन छीन के ले गया। जब तुम मुझे कोई सामान लाके नहीं दोगे तो मैं चाय कहाँ से बना दूंगी? सारी चीज मैं ही लाके दूंगा। जब मत बना कुछ भी, ऐसी चला जाऊंगा मैं। अरे फूलबती, ओ फूलबती, जरा ठंडा पानी ला। और बात सुन ले, मैं ठंडा ही पानी पीऊंगा, गर्म पीऊं नहीं। जो तेरी समझ में आ जाए तो ला दे, ना तेरी मर्जी। ठंडा पानी पियोगे, फ्रिज के तुम्हारा बाप ठीक करवाएगा। यू धर ने रखा मेरे बाप ने, फ्रिज ठीक करवा ले। वो मेरे बाप ने ले रखा, तुम्हारे बाप ने नहीं। तेरे बाप ने दे रखा था, तेरा बाप ही ठीक करवा लेगा इसे। और ज्यादा बोल रही दिखे, ऐसा मारूंगा रहब का मुंह पे, सिनक काट दूंगा। तेरा नाम फूलबती किस सुसरे ने धरा? तेरा नाम तो गोबरबती होना चाहिए, हमेशा लड़ने को आवे, खाने को आवे, फोड़ दूंगा तुझे। मेरा नाम ना मेरी माँ ने रखा। बोल रही है फालतू, अगर तेरे बजाय मेरा ब्याह तेरी बहन से होता ना तो जिंदगी बन जाती मेरी। यूँ तो निभा रहा हूँ मैं तुझे, कभी चक्कर फिर रही हो। अच्छा इससे बढ़िया तो मेरी बहन के पास चला जा, जा। अरे यार मजा आ गया। अरे नीरज कहीं लंबा निकल रहा थी क्या आज तो? अरे कहीं नहीं जा रहा यार, दुकान तक जा रहा हूँ। भाई आज का कोई प्रोग्राम है? आज तो कुछ ना है यार, तुम पे हो तो तुम बताओ। हाँ धरा हम पे, पर सांझ का इंतजाम तैना करना पड़ेगा। हाँ शाम को तो कर दूंगा मैं, यू भी तेरा हम भी तेरे, कोई बात ना। पर शाम का याद रखिए यार। हाँ हाँ तू चिंता ही मत मानने, चल। अरे कुम्हार का फंसा दिया ना, फंसा दिया। अच्छा भैया लो जी 100 रुपए की। तेरा ही जी है साले, है तो यो जहरी, पर जब तू पी रहा तो मैं क्यों ना पीऊं, कमाई तो मेरी भी लग रही है। अजी भाभी जी बहुत पी ली इसने तो आज। लो जी संभालो इसे, और देखो मेरे बस की तो है ना ऐसी दारूबाज के साथ काम करना। भैया हमारा हाल भी देख लो, तुम्हारे सहारे हमें रोटी मिलती रहेगी, वरना इन्होंने तो घर का नाश ही करके रखा है। आपका यह हाल देख के तो नौकरी छोड़ने का मन ना करता है, नहीं तो राजू आके फैसला नहीं लेता नौकरी छोड़ने का। और देखो जी ऐसा है, मुझे कल अपनी बहन के यहाँ पे जाना है, तो कल मैं छुट्टी पे रहूंगा, वहाँ से आऊंगा तो आ जाऊंगा। पर भैया आज जरूर जाना। हाँ जी आऊंगा, आऊंगा क्यों नहीं, पर वहाँ पे कुछ काम फैल गया तो कुछ कहता नहीं, क्योंकि मेरे बहन के यहाँ पे झगड़ा चल रहा है, बस वही तो मुझे निपटाना है। राम राम जी। भाई आज तो कोई जुगाड़ ही नहीं बैठ रहा। हाँ यार आज तो कोई जुगाड़ हो ही ना रहा। अरे चल यू नीरज आ लिया, हो गया जुगाड़। अरे के हाल है नीरज? मैं तो ठीक हूँ भाई, तू बता। अरे यार तेरी पर्सनालिटी के हिसाब से यू काम तेरे पे सूट नहीं करता, इस गधे को बेच बाज दे। यार सूट क्या, इसके अलावा और कुछ काम भी तो ना मेरे पास। अरे कैसी बात कर रहा तू, प्रॉपर्टी डीलर का काम करेंगे, आज का शाम का जुगाड़ कर तू और फिर कल से देख काम चालू। अरे उसके लिए पैसे कहाँ से आएगा? अरे आज का तो जुगाड़ कर, कल देख इतना पैसा ला दूंगा, कल ऑफिस खोलेंगे बहुत तगड़े वाला। चल चल तू, चल आज बेच दूंगा इसे फिर मैं। हाँ हाँ बहुत बढ़िया, चल। हाँ चार हजार है पूरे। अरे गिनने की इतनी बड़ी बात है, तुम ले जाओ अपने को। चल बेटे।
अबटिया चल। अरे चल अब अड्डे पे चल रहे हैं, वहाँ खाएंगे पियेंगे और कल की प्लानिंग करेंगे। चलो चलो तो चलो। भाई नीरज, तेरे जैसा रोजगार इस पूरे गांव में किसी के पास नहीं होगा। अरे हमारी तो चिंता ही खत्म होगी जब से हमारा दोस्त नीरज बना। लेकिन नू बताओ भाई, नीरज भाई के लिए ऐसा कौन सा काम करे जिसमें पैसा ही पैसा हो। अरे जोक्सु, मैंने अपने बच्चे बेचने पड़े पर नीरज भाई का काम इतना तगड़ा चला देंगे, बहुत तगड़े वाला। बहुत बढ़िया, तो हो जाए फिर इसी बात पे दावत। हाँ यार, दावत तो होनी चाहिए, पर हमारा भाई नीरज ही कर सके दावत तो। अरे पैसे हैं तो तेरे पे, जो मंगाना मंगा ले यार। भाई नीरज की जय। तो भाई इस बात की बनक रमतर समतक होना चल जा, बड़े गिट्टल आदमी। हाँ सही कह रहा, उन दोनों की कोई जरूरत ना है। हाँ। अरे वे नहीं यार, तुम प्रोग्राम जोड़ो चलो। ठीक है, मुझे पता कहाँ सस्ती मिले दारू, अपने भाई को आज अच्छी दारू पिलाएंगे। हाँ। अरे यार वो ही हुआ जिसका डर था। अरे यार ये नाश खेता लिए। भाई इनकी भी हद होगी, धरती के किसी कोने में चले जाओ ये वहीं पहुंच जावे। अरे कोई बात ना, एक पैग दे दियो इन्हें भी, हमें कौन सा घाटा पड़ रहा। अरे यार हमें बड़ा दुख हो, अरे कह रहे न तू कह रहे तेरा माल पी जा, मारा खून खोल जावे। अरे यार जी न्यू करे की के बताऊं यार। अरे राजवीर, तू हमें देख के क्यों थोपड़ा बिगाड़ रहा है। अरे यू बिगाड़ ना रहा, इसका मुंह ही ऐसा। अरे तू नू न बोले करे, हमने अपने पहचान की तुझे खूब प्यार रखी है। यू तो सब भूल बैठा, अरे इतनी बात तब है तब इसका कुछ नहीं लग रहा जो लग रहा हमारे नीरज भाई का लग रहा। अरे मैं कौन सा मने कर रहा हूँ, बैठो। अरे भाई हम मजाक कर रहे, मजाक करना भी गुनाह है के। अरे तुम भी क्या बात लेके बैठ गए यार, चलो पियो और जियो। अरे ओ भले आदमियों, तुम क्यों हमारे पीछे पड़ रहे हो, क्या बिगाड़ दिया हमने तुम्हारा, किस जन्म का बदला ले रहे हो तुम लोग। ए चुप हो। सवारी कहाँ है। वो गधा, वो गधा तो राजवीर और दरिया ने बिकवा दिया। बेच दिया, क्यों बेच दिया। अरे उसमें इनका क्या जा रहा था, तुम्हें शर्म लिहाज है या नहीं। वो सवारी हमारी इकलौती रोजी रोटी का सहारा था। कीड़े पड़ेंगे तुम चारों में कीड़े, तुम क्यों नहीं हमें जीने देते। अरे भगवान से तो डरो। ए, तेरी बहुत होली है बकवास, चल यहाँ से, तू मेरी बेइज्जती कर रही है, चल चल। दरिया। हाँ भाई। कुछ भी कहो यार, बहुत कटिली। भाई जब जब इसे देखू ना मेरे दिल की धड़कन पटन को है। फिर। अरे फिर क्या, मैं शराबी थोड़ी हूँ, इसके चक्कर में तो दारू पीऊ मैं। भाई इसका इलाज के है। होगा इसका भी इलाज, चिंता मत कर, यू तो जिगर का चल्ला है। ओ, अब भाई आलिया ज्यादा बोल रही है। भाई भाई का पैर लगा। लो भाई, मेरे भाई, भाई लो भी, भी। इधर बैठ जा। अरे युद्ध थोड़ी रहेगी, और मंगाओ और मंगाओ और मंगाओ और मंगाओ। तू सिगरेट दे, एक घूर मार मेरे भाई, और लाओ भाई और लाओ। ये ऐसे कैसे खड़ी है मीरा। बस ऐसी खड़ी हूँ। ये ऐसे तो तू खड़ी ना होती कभी, के बात है बता। वो आए ना अभी तक। आ जाएगा, तू एक काम कर घर में जा, ऐसे किसी औरत का रात तू खड़ा होना ठीक ना होता। नहीं वो आ जाते तो। वैसे पता कहाँ है वो। हाँ वो उन चारों की गैले और दारू मुर्गा चल रहा है वहाँ पे। भाई बिल्कुल नाश पत्र लिया, यू किसी की सुनता भी तो ना। आ जाएगा, और जावे कहाँ हूँ, तू भीतर जा अपने बालक को देख पहले, और कोई भी दिक्कत आवे ना तो मैं हूँ, मुझे आवाज दे दिए। मम्मी भूख लगी है, दूध दे दो।
तुझे जब देखो भूखी लग रहती है, जब देखो दूध दे दो दूध दे दो। मम्मी सच में भूख लगी है। बेटा कहाँ से लाऊं तेरे लिए दूध, चल तू खेल, मैं देखती हूँ लेके आती हूँ, तू खेल। हाँ गौरी आजा, लो आ गए, कहाँ थे तुम पूरी रात? तेर से हजार बार कह ली, तुम मेरे ज्यादा दिमाग खराब मत कर। तुम पूरी पूरी रात घर नहीं आते हो, मेरी आंखें थक गई हैं तुम्हारा रास्ता देखते देखते। मैंने कितनी बार तुमसे कह दिया, तुम्हें घर का काम धंधा क्यों नहीं दिखता? घर पे खाने के लाले पड़े हैं, बच्चे को पिलाने के लिए दूध तक नहीं है, तुम्हें रोज दारू चाहिए, रोज मुर्गा चाहिए। अपने भाषण बंद कर गई है? नहीं। सवारी कहाँ है? सवारी? अबे गधा था वो। वो गधा नहीं था, वो हमारी रोजी रोटी थी, तुमने उसे भी बेच दिया। पैसे कहाँ हैं? तू पैसे गिनेगी क्या? हाँ पता तो होना चाहिए, किसको बेचा, कितने का बेचा और पैसे कहाँ गए? तूने मेरा जीवन हराम कर रखा है। नीरज भाई दुकान पे नहीं चल रहा है? भैया अब दुकान पे रखा ही क्या है, सवारी थी वो भी इन्होंने बेच दी। उस पे मिट्टी लाया करते थे, बर्तन ले जाया करते थे, हमारे हजार काम आता था वो। अब जब वही बेच दिया है तो अब तो लगता है कि भूखे ही मरना पड़ेगा। बस कर दिया नाश, अब खा लिए क्या खाओगा? और इस घर में जो ये सामान बच रहा ना, इसे भी बेच के कहीं पड़ा मिली। ओ नौकर, अपने औकात मरे। तू मेरे यहाँ काम करता है और किसी के यहाँ काम करने वाला नौकरी होता है, और नौकर को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। राजू किसी का नौकर नहीं है, राजू अपनी मर्जी का खुद मालिक है, और मर्द का बच्चा ना, अब करवा लिए मुझसे काम, हम तो चले अपने घर। इस घर का जितना नाश करना चाहते हो कर लो, वो हमारे काम ही आता था, तुमने उसे भी उल्टा सीधा सुना दिया। वो ठीक ही तो कह रहा था, सवारी तुमने बेच दी, अब कैसे घर का गुजारा चलेगा? अरे गधा ही तो था, कौन सा करोड़ों का आ रहा, फिर ले आऊंगा। हवा में ही आ जाएगा, पैसे नहीं चाहिए उसके लिए। किसी से उधार मांग लूंगा, तू चिंता क्यों कर रही है? हमें नहीं चाहिए कर्जा वर्जा, देख लेंगे जो होगा। ऐसा ना करे। कैसा? ये झुमके मुझे दे दे, इन्हें बेच के हल्का सा गधा तो ले आऊंगा ही, जब काम वाम करके तुझे फिर बनवा दूंगा। ना झुमके ना दूं मैं अपने, तुमने घर का सारा सामान तो बेच दिया, अब झुमके भी बेच दोगे? अब जो गलती होगी सो होगी, अब क्या रास्ता, मेरी बात मान, ये झुमके मुझे दे दे, समझ बात को। मेरी बात मान, तू दे दे, कुछ मत सोच। अरे यार रात बहुत पी ली, सिर भारी भारी सा हो रहा है यार।
और क्या हाल है राजवीर? बढ़िया नीरज, और बता क्या चल रहा है? आज देख क्या चीज है मेरे पे, ये देख और ये भी देख। यार हो तो ऐसा, चलो चलो चलो। मम्मी भूख लगी है। ठहर जा बेटा, अभी कुछ बनाऊंगी। मम्मी भूख के मारे पेट में दर्द हो रहा है। बस बेटा थोड़ी देर और रुक जाओ। मम्मी भूख के मारे पेट में दर्द हो रहा है। कुछ भी नहीं है, मैं क्या दूं गौरी को? फूलबती कैसे नखरे में है? फूलबती मैं तेरे लिए फूल ले हूँ, देख। मुझसे दूर रहो, मुझसे बात मत करो तुम। और किससे बात करूँगा फूलबती, तू ही तो मेरी जान है, देख प्यार की निशानी है ये। उसी को दियाओ, जाओ मेरी बहन को दियाओ जाके। क्यों दियाओ तेरी बहन को? मैं तेरे ते ब्याह के रामन ने तेरे ते फेरे लिए और जूते चुराए के पैसे दे रखे मन्ने। इतनी आसानी से तेरा पीछा नहीं छोड़ने का मैं। सात जन्मों जन्मों का प्यार है यू डार्लिंग, ले फूल। मैं नहीं ले रही, मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती। कैसा ना लगती कुछ, तू तो मेरी जान है। वे बेवकूफ लोग हो जो दूसरों के पीछे घूमे, जो इतनी सुंदर भी बननी हो कौन प्यार नहीं करेगा, बेवकूफ हो है वो सारे। बहुत सारे लोग कमीने होते हैं जो दूसरों पे नजर मारे। अब जितना वहाँ खर्च करो ना उतना अपने वाली के लिए खर्च करो ना, क्या प्यार करेगी? ये ले डार्लिंग ले। ओ यस। सुनो जी, हाँ। वो हमारा फ्रिज है ना, वो ठीक करा दो। दो चार दिन में ठीक हो जाएगा। तू एक काम करिए, नीरज की दुकान से घड़ा ले ये, इतने उससे काम चला लेंगे। प्यार होना चाहिए दिल में, लव यू। यस। लो बेटा बस, मैं तुम्हारे लिए बिस्किट लाई हूँ। लो खाओ। बेटा अभी ना तुम्हारे पापा आएंगे नई सवारी लेके, फिर हमारा काम बहुत अच्छा चलेगा, पैसे आएंगे, फिर मैं अपने बच्चे के लिए खूब सारे खिलौने लाऊंगी, नए नए कपड़े बनाऊंगी और खाने के लिए बहुत सारी चीजें लाऊंगी, ठीक है? नहीं बेटा आप खा लो। मम्मी आप भी खा लो। बेटा आप खाओ, मैं दूध गर्म करती हूँ। हाँ तो सवारी लेने गए थे, सवारी कहाँ है? सवारी
अब गधा था वो गधा। हाँ कहाँ है वो? और जो मेरे झुमके लेके गए थे वो कहाँ है? झुमके? झुमके बिक गए रे मंगल के बाजार में। अंदर जाके लेटो, मैं अभी आती हूँ। जा। क्या सोची थी, क्या हो गई जीवन की कहानी? गौरी को तो बहुत तेज बुखार है। सुनो उठो, गौरी को बहुत तेज बुखार है तो उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। तो ले जाना फिर। उठो तभी तो जाएंगे। ए साली, मेरा दिमाग खराब करने की कोशिश मत कर। जहाँ ले जाना है ले जा, मुझे सोने दे। ये दवाई दे देना है, इससे जल्दी ठीक हो जाएगी, ठीक है ना? दूध के साथ दवाई देना। आप मुझे 150 रुपए दे दीजिए। ये लीजिए। एक बार और दिखवा दीजिएगा। जी डॉक्टर साहब। चलो बेटा। यू असली माल अब कहाँ से लाया है? वहीं से लाया, पुराने वाले ठेके पे से। तो रोज वहीं से लाएगा तू, है ना? बढ़िया चीज, बहुत बढ़िया चीज है। ले कर जीएस। अरे जीएस बाद में ही कर लेता। ये ले मेरा 30 रुपए। लाला जी पैसे तो अभी नहीं है, वे आ जाएंगे तो वे दे जाएंगे। पूरे दे, मैं नहीं जानता उसे, उसका भरोसा तो मुझे एक पाई का भी नहीं है। सामान तू लेके जा रही, तुझे जानू, तू देखती हो तो बता, ना तो रहने दे। ठीक है लाला जी, मैं दे जाऊंगी पैसे। हाँ तो ठीक है। ऐसे आदमी हैं, अकीन है, उधार देते रहो और कभी भी पैसे ना मांगो। इन पता है मैं क्या जानू नीरज को, मैं तो तुझे जानू। बात खत्म। अबे कहाँ चला गया? सारे यार भी बेवफा है, मेरे को उठा के भी नहीं ले गए। मैं तो यहीं लौट जाऊं।
बेटा अभी आपको बुखार है ना, जब आप ठीक हो जाओगी तो मैं आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें बनाऊंगी। अभी तो बुखार में हल्की हल्की चीजें खाते हैं ना। लो आप खिचड़ी खाओ आराम से। मीरा, गौरी के बुखार के बारे में सुना? डॉक्टर को दिखाया ना? दिखाया। हाँ भैया दिखाया था। कौन से डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर वीरू को। हाँ डॉक्टर तो ठीक है। वो नीरज आया ना? आया ना भैया, वो तो ना आए, वो तो सारी रात घर ही ना आते। मैं ही लेके गई थी, कल फिर लेके जाना है। चल कल फिर दिखा लिए। और हाँ कुछ पैसे देने की जरूरत हो ना तो बता दिए सर में ना। ना भैया अभी तो जरूरत ना है, होगी तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, बालक का ध्यान रखिए। ठीक है भैया। चलो अब आप आराम से लेट जाओ। आओ लेट जाओ, लेट जाओ। वो समसुम मिस्त्री ना, उसने मोटरसाइकिल ले ली, तू कदे पे फिरता रहे। तो भाई मैं क्या करूं, मेरे दोरे पैसे भी तो ना है। बनेगा पैसा, बनेगा। तो तू मुझे बता दो कोई तरकीब जिससे पैसा आ जा। तरकीब? तरकीब ऐसी बता देंगे, पैसे की जड़ लग जाएगी जड़। तू एक बार कह दो सही। हाँ भाई। परसों तो उसने वहाँ जो लेके जा रहा वो कौन है? अरे वो तो मीरा दी, मेरी घरवाली। बहुत सुंदर है। ए! बारा, मैं आ गया। क्या कर रही है अंदर? बाहर निकल। बारा, ए! कहाँ थी तू? ये बता रहे मैं आ गया हूँ। आपने बहुत पी रखी है, बंदर चलो। छोड़ भैया, तू मेरे दोस्त के सामने मेरी बेइज्जती कर दी है। मुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ। उन चारों ने तो हमारे घर का नाश करके रख दिया। ए साली, उनका नाम मत ले, वो मेरे दोस्त हैं, समझ गई? राम जादी। डॉक्टर साहब इसे बहुत तेज बुखार है। अच्छा इधर आइए बैठिए। बेटा आ करो। हाँ बुखार तो है थोड़ा सा। कन्हैया ये दवाई दे दो।
ठंडा नहीं देना है कुछ, और एक बार और दिखवा लेने से ठीक है ना, ठीक हो जाएगी। दवाई दूध के साथ देनी है ना, इसमें से एक ढक्कन देनी है, दूध के साथ देनी है। खाने पीने का ध्यान रखना, खिचड़ी और दलिया वगैरह देने ने, और 150 रुपये आप दे दो। डॉक्टर साहब पैसे तो नहीं है, मैं जल्दी जल्दी में लाना भूल गई। क्या मतलब पैसे नहीं लाए आप? बच्चे को दिखाने लाए और पैसे नहीं लेके आए? डॉक्टर साहब मैं कल दे जाऊंगी। चलो कोई बात नहीं, आप कल दिखवा देना और कल के और आज के दोनों पैसे दे जाना। चलो गौरी। गौरी तुम लेटो, मैं दूध गर्म करती हूँ, फिर आपको दवाई दूंगी, ठीक है? मैं गौरी को दवाई काहे से दूं? तू ठीक कह रहा, नीरज मुझे बता रहा कि मीरा की अकल ठिकाने आ रही दिखे सहज सहज। हाँ भाई, नीरज की लड़की बीमार है और वो उसे पैसे भी नहीं देता। पैसे तो हम दे देते उसे। सही कह रहा तू, उसको ऐसे टाइम पर पैसे दे दो और तगादे के भाने उसके घर जा करेंगे और फिर मीरा को देखा करेंगे और फिर मजे आया करेंगे। क्या पता इसी बहाने बात बन जा। पर भाई देंगे कहाँ से, हमारे पास तो पैसे ही ना है। देखो तो बनाओ कुछ योजना। और सोचते हैं कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। अरे सुनो, गौरी को बहुत तेज बुखार है, हमें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। तो ले जा फिर, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ। मुझे पैसे दे दो, मैं पहले भी उनका उधार करके आई हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। अब फिर उधार करिए तो। वहाँ क्या मेरे पिताजी बैठे हैं जो बार बार मुझे उधार दे देंगे, मुझे पैसे दो। मेरे पास ना पैसे। दारू और मुर्गी के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं, बच्चे के इलाज के लिए पैसे ना है। ना है तो ना है, बता। तो क्या इसका इलाज नहीं कराएंगे हम? तो मैं कौन सा मना कर रहा हूँ, अपने बाप पैसे लिए पैसे। अपने पिताजी से क्यों लूं मैं पैसे, जब उन्होंने मुझे तुम्हारी गैल बांधा है। तो बंदी रहे, चुप पड़ी रहे, मेरे कान खाने की जरूरत नहीं है, समझ गई? मम्मी भूख लगी है। हाँ बेटा मैं कुछ देखती हूँ। लाला जी एक बिस्किट का पैकेट दे दो। भाई बिस्किट तो तू कितने ही ले जा, पर पहले पैसे दे दे। हाँ लाला जी मैं पैसे दे दूंगी, तुम्हारे पिछले पैसे बकाया है ना, मैं पिछले और अब के एक साथ दे दूंगी। ना 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 ना, एक बात चलो, वो नीरज ले गया मेरे पास सामान, उनने मेरे पैसे नहीं दिए, तू ले जा, तू नहीं लेकर गई।
मन्ने यहाँ खैरात बैठ रखी क्या? पहले पैसे दो फिर सामान लो। लाला जी तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारी पाई पाई चुका दूंगी। ना ना ना, ना। भाई मेरा देख, बुरा तो मैं नहीं है ना, जहाँ तक मैं सामान लाऊ ना, मुझे उसके माथे में पहले पैसे मारने पड़े हैं। मेरी औकात तो है नहीं, अगर मैं तुम्हें हर टाइम उधार दूं, और तेरे पे कुछ जेवर वेवर हो तो दे, मैं तो उससे ही काम चला लूंगा। लाला जी मैं थारे लिए जेवर कहाँ से लाऊं? तो मैं तुझे सामान कहाँ तक दूं? लाला जी दे दो ना बिस्किट। अच्छा सुन, रुक ले, तेरा बालक भुक्का होगा, उसको खुआ दिए जा। उधार मांगन यहाँ सी भाई, मारा खैरात बट रही, क्या हम परेशान वैसे हो रहे हैं यहाँ सी? लॉकडाउन में वैसे काम नहीं चल रहा हमारा। गौरी आओ बिस्किट खाओ। नीरज भाई आज तो बहुत संघर्ष करा लाने का दारू, बहुत करा, लाइन बहुत लंबी ही मिल तो गई ना। अरे एक दिन तो मैंने उससे रात के 1 बजे ली ही, पीने का मजा भी तो तने लिया होगा। अरे मजा आ गया, ठंड पड़ रही उस दिन, और मैंने जब 1 क्वार्टर पिया कुछ ना हुआ, फिर गया मैं दोबारा, वो कहने लगा रोज इस टाइम पैसे फालतू दिए होंगे तने। मैं जानू तुझे। अरे सिगरेट विगरेट ना लाया? आज सिगरेट विगरेट ना है भाई। अरे तू नहीं चला वे। पैसे ही खत्म हो गए थे। अरे कोई बात ना, बड़ा भाई है नीरज, पैसे खत्म हो गए ले जाता। और इन दोनों को तो पैसे रहते ही ना, हराम की पी ना लाए तो। यू ही है हमारी भरम। डॉक्टर साहब नहीं है? मैडम डॉक्टर साहब तो नहीं है, डॉक्टर साहब तो बाहर गए मरीज देखने। अच्छा वो डॉक्टर साहब ने कहा था एक बार दिखाने के लिए ले आना। अच्छा तो मैं आपके पर्चे बना देता हूँ, आप पैसे जमा कर दो। पैसे तो नहीं है, आप एक बार मेरी डॉक्टर साहब से बात करा दीजिए। मैडम डॉक्टर साहब से तो आपकी बात होंगी नहीं, आप पैसे लायो तो अपनी बच्चे का इलाज करा लो, नहीं तो जाइए अपने घर को, हमारा टाइम वेस्ट मत कीजिए। चलो बेटा तो जाइए अपने घर को। आप यहाँ लेटो लेटो। मम्मी मुझे भूख लगी है। बेटा मैं कुछ देखती हूँ। मम्मी आप रो मत, देखो मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, अब से मैं आपसे कुछ भी खाने को नहीं मांगूंगी। मम्मी अब रो मत आप। बेटा तुम अंदर जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ। हाँ तुम जाओ खेलो अंदर। Thank you.
यार जब भी नीरज की बहू को देखूं ना दिल में कुछ कुछ होने लगे है यार। ऐसा लगे जैसे हमारे लिए बनी हो। पता नहीं इस नीरज के भाग्य में कहां से आ गई। भाई कितने दिन से कह रहे थे कुछ विधि भी बैठा ले। अरे विधि ही बैठा रहा हूँ, लग रहा हूँ उसी जुगाड़ में दिन रात। बड़ी पटोला सी लगे यार, बम का गोला। यार राजवीर आज तो ठंड लग रही है यार। यार दारू ऐसी चीज बनाई है, अड बड सब गायब कर दे। सही कह रहा यार तू। मजा आ रहा जीवन में, मजा आ रहा, पी रहे हैं और मौज ले रहे हैं। मौज ही आ जाएगी तेरी गैल रहूंगा तो। ए नीरज अलग ही मजा इस चीज का। अरे तू भी ले ले एक घाल दे। तू एक काम करिए कल दारू और मुर्गे की दावत मेरी तरफ से। दोस्तों तो ऐसा हो। तू भी कर लेगा कुछ। मैं तो एक भी नहीं सारी दारू पी जा। कंजूस है यू तेरा भाई दिलदार है बस। दोस्तों तो नीरज जैसा हो। सही कह रहे हो भाई। बढ़िया कह रहे हैं। और माले थोड़ी सी। अरे यार आज तो कुछ नशा ज्यादा हो गया। उधर मीरा भी घर पे इंतजार कर रही होगी मेरा। ओ क्या करूं मैं। तूने मेरे हाथ कैसे लगाया, पागल समझती है क्या मेरे को। कुछ नहीं समझती मेरे को, मेरे दोस्तों को भी कुछ नहीं समझती। बेइज्जती करती है मेरी। अरे नीरज भाई कर दे कुछ जुगाड़। अरे भाई अब न धरा कुछ भी यार, सब कुछ खत्म हो लिया। भाई कदी ऐसा हुआ जो हमारे भाई नीरज पे कुछ खत्म हो सके। अरे नीरज भाई घर में निगाह मार ले, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। यार आज तुम में से कोई जुगाड़ कर दो, कल को मैं देख लूंगा। भाई नीरज
तू ये सब कुछ, हम तो खाली बैठे हैं। और भाई बहुत तलब लग रही है, कहीं से करते कुछ जुगाड़। यार तलब तो मुझे भी लग रही है, मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे कुछ तो कर भाई। चल देखता हूँ मैं कुछ न कुछ। कर दे यार जल्दी जाकर कुछ जुगाड़ कर दे यार। मान लिया निकासी घर में कुछ भी चीज हो, कैसी भी हो यार। ठीक है मरे बैठे हैं यार हम। ये बर्तन कहाँ लेके जा रहे हो, इन्हें वहाँ रख दो। तू रोकेगी? हाँ मैं रोकूंगी, घर पे दो बर्तन कुल पड़े हैं, इन्हें भी लेके जाओगे, इन्हें भी बेच दोगे, फिर हम धरती पे बैठ के खाना खावेंगे के? छोड़ो इन्हें। छोड़ इन्हें, मैं बर्तन ना बिकने दूँ बिल्कुल भी। छोड़ कह रहा हूँ ना, छोड़। छोड़ो। छोड़ो बिल्कुल भी। अरे भाई नीरज, मीरा ठीक कह रही है, बर्तन घर की बरकत हो, इन्हें नहीं बेका करते। मेरे बर्तन मैं बेचू या छोड़ू, तुझे क्या मतलब है? भाई हम भी तो नहीं कह रहे, बर्तन नहीं बेका करते, मीरा ठीक कह रही है, छोड़ देना। हाँ तुम दोनों ठीक हो, एक मीरा ठीक है एक तू ठीक है, हम तो सब गलत ही है। घर के बर्तन बिल्कुल ना बेचने दूं, सारा सामान बेच दिया, इन्हें भी बेच दोगे आप? तू रोक के दिखा मुझे। अरे भाई छोड़ दे, छोड़ दे। क्या हो गया, उठाओ, क्या हो गया आपको भैया? नहीं क्या हो गया, अभी से जो भी हुआ उसका इलाज घर में तो होगा नहीं, इसे डॉक्टर के लेके चलो तुरंत। ठीक है तुम संभालो, मैं बहुत प्यार कर रहा हूँ। हाँ जल्दी करो, उठाओ, पता नहीं क्या हो गया। पापा 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 मम्मी पापा को क्या हो गया? उठो, पता नहीं क्या हो गया इनको। देखिए पैरालाइज मतलब इनको फालिस हो गया है, इनको विशेष सेवा की जरूरत है, मैं दवाई लिख देता हूँ। अरे मीरा चुप हो जा, कोई बात ना, सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत करे। ये दवाई लिख दी है मैंने, ये स्टोर से ले लेना और इनकी देखभाल रखना। भाई साहब समझाओ ना इन्हें। मीरा जो है मत ना, सब ठीक हो जाएगा, घबरा मत, चल अभी घर चल रहे। हाँ। गौरी बेटा ये पकड़ो। ठीक है इसका ध्यान रख, और हाँ किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो तो आधी रात को आ दे देना, हम आ जाएंगे। ठीक है भैया। और भाभी आप घबराना मत बिल्कुल भी, हम थारी गए हैं, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। जी भैया। अरे यार बड़े दुख की बात है, नीरज को फाली शोर मारगी। बड़ा अच्छा काम चल रहा था, मारा भी यार उसका भी, अब के करेंगे? हाँ कुछ तो करेंगे ही, फंसेगा कोई मुर्गा। अरे यार यूके बीमार हुआ, इसने तो हमारा काम खराब कर दिया। चलेंगे मिलन, क्या पता अभी भी काम हो जाए। सही कह रहे, चलेंगे यार।
आप ऐसे नहीं करना, मैं हूं ना, आप आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। हाँ बेटा मैं कुछ देखती हूँ। मम्मी भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। बेटा अभी ना बहुत रात हो गई है, अभी आप ना अंदर जाके सो जाओ, मैं कल कुछ लाती हूँ, ठीक है? मम्मी बिना खाए नींद नहीं आएगी। तुझे जब तक भूखी लगी रहती है मुझे खा लेना। कहाँ से लाऊ तेरे लिए खाना, कुछ नहीं बचा इस घर में, अब कहाँ से लाऊ। ऐ भाई, कल हम नीरज के बारे में बात कर रहे। हाँ भाई, नीरज बीमार है पर हम कुछ कर नहीं सकते। अरे बड़ा बावला, अरे या तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। क्या बात कर रहा भाई, नीरज बीमार पड़ा और तू कह रहा खुशी की बात है, हमें इसमें क्या खुशी मिलेगी? तू हो लिया पागल, तेरी बात समझ में नहीं आ रही। अब नीरज हो गया बीमार, उसके भाने उसके घर जा करेंगे और मजबूरी में मीरा को हमारा हाथ थामना पड़ेगा और फिर उसकी गैल मजे लिया करेंगे। मम्मी मुझे भूख लगी है। हाँ बेटा मैं देखती हूँ। मम्मी मुझे भूख लगी है। मम्मी मुझे बहुत तेज की भूख लगी, कुछ खाने को दे दो। बेटा तुम यहाँ बैठ जाओ। हाँ बेटा। मम्मी मम्मी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। Thank you.
हट हट। गौरी बेटा, मैं आपके लिए रोटी लाई हूँ। आपको भी तो भूख लगी होगी ना, आपने भी तो कुछ नहीं खाया है। मैं कुछ करती हूँ, लेके आती हूँ कुछ खाने के लिए। यार फूलबती, तुझे तो पता ही है नीरज का लकवा हो गया। हाँ। अब क्या है कि उनके काम भी बंद हो गए बेचारों के, कमाने वाला भी अकेला ही था, अब वो बेचारी अकेली के करेगी। अब उनने खाना बनाया ना बनाया, खाना मिला ना मिला, खाया ना खाया, तो एक काम कर, खाना लिया थाली में, मैं उनके घर दे हूँ। पड़ोसी पड़ोसी काम ना होगा तो कौन आऊगा। आप ठीक कह रहे हो, मैं लेके आती हूँ। बेचारा बहुत बड़े हादसे से गुजर रहा नीरज, ये लो। ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ। गौरी बेटा आ जाओ, खाना खा लो, आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ। आ जाओ
है मम्मी। बेटा ये ले लो। हाँ ये लो। बेटा आप अंदर जाके सो जाओ। हाँ जाओ जाओ बेटा। अरे बैठे बैठे बैठी रहे। अब ठीक है नीरज? हाँ अब तो ठीक है। भैया ये खाना आप लेके आए थे? हाँ मैं ही लाया था। तू तो है ही ना, तो मैं यहाँ धर के चला गया था। पर मैं तो एक बात कहनी चाह रहा था। हाँ कहो। मैं सोच रहा था ऐसा तो काम चलेगा नहीं। यूं बीमारी से पहले जैसा भी था सारी जिम्मेवारी नीरज की थी। अब इसकी बीमारी के बाद ये सारी जिम्मेवारी तेरे पे आ गई है, इसलिए तुझे कोई काम धंधे के बारे में सोचना पड़ेगा। हाँ भैया कह तो आप ठीक ही रहे हो, काम तो देखना ही पड़ेगा, पर इस समय तो सबसे ज्यादा जरूरी काम है इनकी देखभाल करना। हाँ वो तो है। भैया क्यों ना मैं थारे घर पे काम कर लिया करूँ, तुम्हें जो जायज लगे तुम मुझे वो पैसे दे देना, मेरे घर का खर्चा भी चलता रहेगा और इनकी देखभाल भी हो जाया करेगी। देख मीरा, मैं तुझे घर में काम करने की सलाह तो नहीं दे सकता, पर हाँ मैं तेरे मिट्टी के बर्तन के काम के बारे में मदद कर दूंगा। एक ठेली ले लेंगे और बर्तन बनाने तेरे पे आवई है, और राजू आ जाएगा मैं उसे बोल दूंगा, और दुकान पे बेक ले रही है और फेरी भी कर ले रही है। हाँ भैया ये तो आप ठीक कह रहे हो, ये काम तो मैं कर लूंगी और इस काम में राजू भी मेरी मदद कर दिया करेगा। हाँ जी मैं इस काम के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। पहले भी तो हमारी दुकान अच्छी चलती थी, वो तो इनके दारू पीने के कारण सारा काम बिगड़ गया, वरना कमी की थी। अगर मैं दुकान में बैठने लगी और फेरी लगाने लगी तो इनकी देखभाल कौन करेगा? दुकान की दूर नहीं लगानी है, यहीं घर के किसी कोने में लगा लेंगे और नीरज धोरे घंटी बांध देंगे, जब इसे जरूरत पड़ेगी घंटी बजा दे करेगा। तू इसे देख कर आजिए, इतने राजू अकेला दुकान संभाल लेगा। हाँ हाँ मैं तो पूरे दिन संभाल लूंगा, जब नीरज दुकान कर रहा था जब मैं पूरे दिन ही तो संभालू था, ये तो दारू के चक्कर में इधर उधर भटक गया था। हाँ तो मिट्टी के बर्तन का काम है पक्का? हाँ ठीक है। हाँ तो बनवा दिया खिल्ली? हाँ बनवा दो। तो सुबह काम में देरी क्यों? ठीक है ना, चलो ठीक है। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं कल से काम शुरू कर रही हूँ। और पता है राजू भैया और रमेश भैया मेरी मदद कर रहे हैं, फिर हमारे पास पैसे आएंगे और फिर ना मैं आपका इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से कराऊंगी, आप जल्दी से ठीक हो जाओगे। चलो मैं आपको दवाई दे देती हूँ। अरे दवाई तो दूध से लेनी है, तो मैं दूध लेके आती हूँ। आज तो यहाँ पूरा खुला दरबार ही दिखे। हाँ हाँ दरबार तो खुला है भाई। नीरज नीरज, अरे नीरज को क्यों आवाज मार रहा है, उसके बस की ना, बोलना बोलना। अब तो मीरा डार्लिंग को आवाज मारो। ओ मीरा। अरे यार मीरा भी यहाँ कहाँ होगी, अपने यार रमेश से मिलने गई होगी। अरे कौन सा रमेश? अरे कितने रमेश पाल रखे होंगे अब तो उसने। करने तो सबको मौज, चलो अपने यार से मिलो भाई। हाँ अरे के हो रहा, अरे इसे दारू दुख कर प्याओ आज। अरे नू क्यों पड़ा? अरे बहुत दिन से न्यू पड़ा ना यू, इसने पीना, इसे पिला। हाँ भाई पिला दो पिला दो। लो भाई लो। अरे पीले न्यू पड़े हुए से कुछ ना मिल रहा, ठीक हो जाएगा यू अमृत अमृत। पिलाओ भाई। ले 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 ले
अरे पीले पीले घने दिन से पीना है, यहीं पड़ा है। हाँ ले 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 ले। हाँ बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ओहो मेरी जान भी आ ली अब तो। मेरी जान? हमारी जान? अरे सब बांट लियो, कोई दिक्कत है? या तो दूध मिलाई दिखे। अरे हमें कहाँ दूध की जरूरत है, हमें तो होम डिलीवरी चालू कर दी दिखे। हम तो बहुत पीछे रह गए राजवीर भाई। अपनी जान कोई देख ले अब। ओए मेरी जान, छोड़ दे मुझे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे छोड़ देंगे हम भी। अरे भीतर को ले चला इसे। छोड़ दो मुझे, नहीं तो शोर मचा के गांव वालों को बुला दूंगी। अरे गांव वालों को कह देंगे तुम बुलाए हम। अब कहां बच के जाएगी मेरी जाने मन। चल तुझे बाद में ही देखते हैं, चलो। भाग गए वो लोग, आप शांत हो जाओ, ठीक हूं मैं।
खुशियों से दामन भर गया ओ, 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 खुशियों से दामन भर गया हो गई दुआ कबूल राहों से कांटे हट गए खिलने लगे हैं फूल राहों से कांटे हट गए खुशियों से दामन भर गया तेरी इनायत हो गई मेरी दुनिया जन्नत हो गई झूम उठा ये दिल मेरी पूरी मन्नत हो गई तेरी दया से सीखा मैंने अब जीवन का मूल खुशियों से दामन भर गया हो गई दुआ कबूल हो गई दुआ कबूल अरे चिलम कैसे दे अरे इतनी महंगी तो कोई भी दे रहा ठीक ठीक लगा ले अरे भैया काम के समय में क्यों परेशान कर रहे हो दिखा रहा राजू भैया रहने दो ना
भैया आप लोग जाओ ना, हमें काम कर लेने दो। एक चिलम दे। ले। बाऊजी जब काम नीरज करा था ना, इतनी बरकत नहीं होती। अरे एक बहू ने पूरा घर संभाल कर रख दिया। भाई नीरज ने तो टीबा खोल कर दिया, बहू तो उसकी एक तरह की लग गई है। उसकी बेटी अब तो नवेर सुधरे कपड़े पहन रही है जी। भाई जी मेहनत करके कमा रही है, अपने बच्चों को तो अच्छा पहनावेगी। अजी नीरज की भी सेवा खूब करेगा तो। भाई जब भी तो कहे नार नहीं नौरंगी है, ढक दे तो पूरे कुल को ढक दे, वरना नंगी की नंगी है। अजी यह बहू इसके कुल को बसाने वाली है। भाई भगवान इसे नुई बनाए रखे। तुम ठीक कह रहे बाबू जी। और सुनाओ और क्या चल रहा आजकल, गन्ने गुन्ने का भाव? अरे भैया नमस्ते। नमस्ते। मीरा दुकान कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया चल रही है। अरु राजू कहाँ है? वो भैया जो हमारी पुरानी वाली दुकान थी ना, वो हमने फिर से शुरू कर दी है, तो राजू वहीं है। भाई बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छा भैया। और नीरज की तबीयत कैसी है? भैया तबीयत तो ठीक है, लेकिन अभी वो बात नहीं आई है। मीरा मैंने आज एक वैद्य के बारे में सुना, वो देसी इलाज करता गई है और कोई साइड इफेक्ट नहीं और खर्चा कम, इसे वहाँ लेके चलते हैं। अगर भगवान ने चाहे ये एक आध हफ्ते में अपने पैरों पर चलने लगेगा। हाँ भैया बिल्कुल लेके चलो, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, तुम जहाँ लेके चलोगे ना मैं चल दूंगी और पैसा लगा दूंगी। तो एक काम करो, मैं कल ही उस वैद्य को घर बुला लेता हूँ। हाँ ठीक है भैया। ठीक है चलूँ अब। भैया नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी क्या नाम है इसका? नीरज है जी। नीरज है। डॉक्टर के दिखवा लिया? वैद्य जी हमने सभी जगह दिखवा लिया, कोई से ठीक नहीं कर पा रहा। आपके बारे में कल ही पता लगा, हमने आज आपको बुलवा लिया। तो ऐसा है, घबराने की कोई बात नहीं, नीरज ठीक हो जाएगा बिल्कुल। 8 दिन की दवाई है ये, मैं दवाई दे रहा हूँ तुम्हें, देसी जड़ी बूटी। ये 4 पुड़िया है आपकी, सुबह शाम देनी है ये। और कुछ दवाइयाँ ये रही मैंने इसमें लिख रखी है। और तेल है, तिल का तेल है, इसकी मालिश होगी। बादाम का दूध पिलाना है, 8 दिन का कोर्स है, ये कर लो, बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। वैद्य जी ये दवाई कितने रुपए की आ जाएगी? ये मात्र 200 रुपए की आ जाएंगी। ठीक है जी। और जो मैंने इसमें नुस्खे लिख दिए, तिल के तेल की तो मालिश करनी है इनको, और ये नुस्खे दूध में पिलाने, इसे 8 दिन में नीरज बिल्कुल ठीक हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी वैद्य, आपकी सेवा क्या करनी है? बस सब सेवा ही है, तुम इसकी सेवा कर लो, जो भी सेवा करनी है तुम मंदिर में दान कर देना या गौशाला में, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये बच्चा ठीक हो जाएगा, सब सेवा ही है मेरी तो। अजी ये बात तो ठीक है, हम मंदिर में भी दान कर देंगे और गौशाला में भी दान कर देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान सारा ही सिद्ध करेगा, आप निश्चिंत होकर कर दो इस परहेज को बस। अच्छा जी मुझे भोपरा चौक तक छुड़वा दो। अजी भोपरा चौक क्या, आपको दवाखाने छोड़ कर आ रहा हूं मैं। दवाखाने छुड़वा दोगे तो और भी बहुत बढ़िया होगा। धन्यवाद वैद्य जी। अच्छा भाई साहब, राम राम। राम राम भाई, राम राम। अरे नीरज ठीक हो गया कहिए? अरे हो जान दे, इससे क्या फर्क पड़ रहा, अगर ठीक हो जाएगा तो फिर अपनी मंडली में शामिल हो जाएगा। नहीं यार अब ऐसा नहीं करेंगे, किसी का घर बर्बाद नहीं करेंगे, हमने बहुत घर बर्बाद करे हैं पीने के चक्कर में, इस चक्कर में। उठने बैठने में क्या बुराई है? अरे उठने बैठने में कोई बुराई ना, चाहे हम ना कह में, पर हमें ही तो पता है उसका नाश हमने करा, पूरे गाँव को पता है। यार अब हम किसी के साथ ऐसा ना करें, नीरज का नाश ही हो गया पर चल अब ठीक हो गया, चल भगवान ने अच्छा कर दिया, अब किसी के साथ ऐसा ना करें। ठीक कह रहे हो भाई तुम।
नहीं नहीं, तुमने भी तो मेरी इतनी सेवा की है, मैं तो बस एक निवाला ही खिला रहा हूं। मैं तो तेरे से माफी मांगने के काबिल भी नहीं हूं। ये क्या कह रहे हैं आप? आप मेरे पति हैं। बता कौन सा जुल्म मैंने तेरे पे नहीं किया, पर फिर भी तूने मेरी सेवा की। वो मेरा धर्म था, मैंने अपना धर्म निभाया है, और आप ही तो मेरी दुनिया है। और तुम मेरी, और मैं, तू हम दोनों की जिंदगी है। खुशियों से दामन भर गया, हो गई दुआ कबूल, राहों से कांटे हट गए, खिलने लगे हैं फूल, राहों से कांटे हट गए, खिलने लगे हैं फूल, खुशियों से